नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया में तरह तरह के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरीके से देश का निर्माण हुआ। उन सभी देशों में क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग, विचार, कल्चर, खान पान पाए जाते हैं और दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कल्चर के बारे में बताएंगे जिसे देखकर और सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपको तो मालूम ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच फैला है थार मरुस्थल, जहां दोनों तरफ बस्ती है आबादी और दोनों के रेगिस्तानी कल्चर बड़े ही शानदार हैं। तो आज हम बता रहे हैं पाकिस्तान के थार में बसे मांगड़हार कबीले के बारे में। ये लोग गाना स्थानीय भाषा ढाटकी, सिंधी और उर्दू में गाते हैं। थार में लोगों का जीवन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सुविधा संपन्न इलाकों की तरह नहीं, जहां पर हर एक आदमी दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान के थार के लोग बर्फ के बने उगलू जैसे घरों में रहते हैं। ऐसे घरों की छतें घास से बनी होती हैं, जो गर्मी में ठंडी रहती हैं और ठंड के दिनों में गर्म रहती हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चलें कि ये घास हर एक दो साल में बदली जाती है और घरों के छतों पर ताजा घास लगाई जाती है। इसके अलावा सीमेंट और मिट्टी से बने हुए कमरे भी होते हैं, जिनको लोकल पाकिस्तानी भाषा में ढांडी कहा जाता है। पाकिस्तान के थार में सूखा हो या बारिश का मौसम, खुश मिजाज लोग मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप किसी गांव के करीब रुक गए हैं तो मुसाफिरों की मदद करना और उनकी मेहमान नवाजी करना स्थानीय लोगों की परंपरा है। पाकिस्तानी थार के पुरुष कमीज सलवार या लुंगी पहनते हैं, तो पाकिस्तान की महिलाएं कमीज सलवार और हिंदू महिलाएं घाघरा या साड़ी पहनती हैं। महिलाओं के कपड़े ज्यादातर शोक चटपटे रंगों के होते हैं, जिनमें कढ़ाई होती है। अगर आप थार के रेगिस्तान में हैं, तो इसकी विशालता और इसकी भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। सूरज ढलता है तो रन ऑफ कच्छ से आने वाली हवाएं मौसम को खुशनुमा कर देती हैं और आसमान पर टिमटिमाते तारे इस नजारे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अगर थार में पक्षियों की बात की जाए तो ज्यादातर गाँव में मोर घूमते फिरते और नाचते नजर आते हैं, जो सुबह को घरों में दाना चुगने आते हैं और फिर जंगलों में चले जाते हैं और शाम को फिर लौटते हैं। पाकिस्तान थार के आबादी वाले इलाकों में हिरन और नील गाय पाई जाती हैं, जो भारत की सीमा रन ऑफ कच्छ के नजदीक पाई जाती हैं। इस इलाके में लोग बड़े शानदार तरीके से रहते हैं और यहाँ पर गाय को पूजा जाता है, इसकी कुर्बानी नहीं दी जाती। पाकिस्तान के लिहाज से एक बहुत अजीब घटना है, जहां पर लोग गाय को खूब काटते हैं। उन लोगों का एक ऐसा इलाका भी है जहां पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जाती है और गाय को पाला जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के थार के इलाके की क्या कहानी है और क्यों यहां के लोग प्यारे हैं और इनके भाईचारे की क्यों तारीफ की जाती है।